नमस्कार मेरे किसान भाइयों, मूंग की 5 टॉप किस्मों के बारे में जानते हैं और उसकी बुवाई और पैदावार के बारे में भी जानते हैं। चलिए, तो मूंग की पहली किस्म है हमारी किसान भाइयों PDM 139, जो समरण नाम से आती है, और दूसरी किस्म है हमारी SML 668, जो कि पॉपुलर वेराइटी है, और तीसरी किस्म है किसान भाइयों हमारी जो आती है IBM 410 सिका नाम से आती है, बहुत ही ज़्यादा लेटेस्ट वेराइटी है और बढ़िया वेराइटी है। और चौथी वेराइटी हमारी IBM -2-3 सत्या नाम से आती है, और पांचवी वेराइटी हमारी पूसा वैसाखी। अब इसमें जानते हैं इसकी पैदावार और इसमें जो विशेषता होती हैं और इसकी बुवाई का समय। तो चलिए किसान भाई, पहली हमारी वेराइटी है 139 सम्राट, जिसकी हम बुवाई का समय जानते हैं। अभी इस किस्म की बुवाई का समय 10 मार्च से 25 मार्च सबसे अच्छा होता है बुवाई की, यानी इसकी अच्छी पैदावार लेने के लिए। और इसकी विशेषता किसान भाइयों ये है कि ये पीला जो पत्ते पड़ जाते हैं हमारा पीला मोजैक और लीफ, यानी जो पत्ती मुड़ जाती हैं, इसके लिए रेजिस्टेंस है और 60 से 70 दिन में तैयार हो जाती है और एक साथ फली पकती है, और दाना मध्यम आकार का और चमकीला होता है। और किसान भाइयों इसकी जो पैदावार आती है वो आती है, इसकी उपज जो होती है 4 से 4.8 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से हो जाती है अगर इसकी अच्छी तरह की जाए तो। और SML 668 जो वेराइटी है इसकी बुवाई का समय है, इस किस्म की बुवाई का समय किसान भाइयों 15 मार्च से लेकर 15 अप्रैल तक है। इस किस्म को आप गेहूं के खेत में आसानी से बो सकते हैं, जो गेहूं करते हैं उसके बाद भी आसानी से बो सकते हैं। और इसकी विशेषता है कि यह पीला मोजैक और लीफ मेडल्यू, यानी जो पत्ती मोड़क है, इसके लिए ये भी रेजिस्टेंस होती है, ये 65 से 70 दिन में तैयार हो जाती है। दाना मोटा और चमकीला होता है इसका, और इसकी जो पैदावार है किसान भाइयों काफ़ी अच्छी आती है। इसकी उपज है 4 से 4.5 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से आसानी से हो जाती है। और हमारी तीसरी जो वेराइटी है IBM 410, जो कि बहुत बढ़िया वेराइटी है, बुवाई का इसका समय है अच्छी पैदावार लेने के लिए, इसके बुवाई का समय 10 मार्च से 25 मार्च तक उपयुक्त होता है, अच्छी पैदावार के लिए होता है ये। और विशेषता इसकी यह है कि ये पीला मोजैक लीफ मेडल्यू और इनके लिए भी रेजिस्टेंस होता है, और इसमें जो फलियाँ होती हैं एक साथ पकती हैं, जो कि 65 से 75 दिन में तैयार हो जाती हैं। और इसकी उपज 4.2 से 5.2 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से हो जाती है, जो कि सबसे अधिक है। और IBM -2-3 सत्या जो नाम से आती है, इस किस्म की बुवाई का समय है 10 से 25 मार्च उपयुक्त होता है, और यह इसकी विशेषता यह है कि यह किस्म 65 से 75 दिन में तैयार हो जाती है, और ये एक साथ फलियां इसकी पकती हैं, और इसकी उपज भी 4 से 4.2 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से हो जाती है। और बैसाखी यानी पूसा बैसाखी, यह किस्म की बुवाई का समय है 15 मार्च से 20 अप्रैल तक बुवाई की जा सकती है, यह किस्म 65 से 70 दिन में तैयार हो जाती है, और इसकी जो पैदावार है किसान भाइयों इसकी उपज 4 से 4.5 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से हो जाती है। और आगे किसान भाइयों कृपया ध्यान दें इस बात पे, ये सभी किस्म सही तरह देख रेख में करने पर अच्छी उपज देती हैं, इनकी उपज कम या ज़्यादा भी हो सकती है जो कि मौसम के आधार पर होती है। अच्छी पैदावार के लिए सही बीज का चयन करें या सही दुकान से लें, क्योंकि आपको क्या पता है कि यह बीज वही वेराइटी का है। तो ठीक है किसान भाई, इस बात पर ध्यान दें, और इस चैनल को किसान भाइयों सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आने वाली और इस पर मूंग की वीडियो भी अभी आने वाली हैं अलग अलग वैरायटी के बारे में। तो किसान भाइयों ये तो आपने जान लिया, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। नमस्कार।